सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो यार जब मैंने वो लास्ट वीडियो अपलोड की थी ना एनी बुक्स ऐप पे, तो उस पर मुझे बहुत से रिस्पॉन्स आ रहे थे कि यार हिंदी में बुक्स डाउनलोड करना बताओ, क्योंकि यार एनी बुक्स ऐप में ना आप हिंदी में बुक्स डाउनलोड नहीं कर सकते हो। यार वैसे वहाँ पे कुछ लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि हिंदी में बुक्स डाउनलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, और यार जब मैंने मतलब एनी बुक्स ऐप में सर्च किया तो मुझे तो मतलब हिंदी बुक्स मिली नहीं। तो आई एम नॉट श्योर कि उन्हें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि यार मुझे तो एनी बुक्स ऐप में हिंदी बुक्स मिली नहीं। तो आज मतलब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे हिंदी बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। अब यार जस्ट वेट, मैं आपको इस वीडियो में ना एनी बुक्स ऐप में हिंदी बुक्स डाउनलोड करने के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको किसी एक एक्सटर्नल साइट से डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा। और मतलब आप ना उस वेबसाइट से पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी किसी भी बुक को डाउनलोड कर सकते हो, फिर आप उसको मतलब अपने फ़ोन में प्ले कर सकते हो, उसको मतलब आप फिर अपने फ़ोन में रीड कर सकते हो। अब यार अगर हिंदी में बुक्स डाउनलोड करनी है तो थोड़ा तो कंपनसेट करना पड़ेगा, थोड़ा तो मतलब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो विद दिस बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार किसी भी बुक को हिंदी में डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस यार अपना गूगल क्रोम ओपन करो ना, और आपको जिस भी मतलब बुक को पढ़ना है हिंदी में आप उसको बस सर्च करो कि यार जैसे रिच डैड पुअर डैड को सर्च करते हैं। अब यार जो भी मतलब आपको बुक डाउनलोड कर ली है ना, उसको मतलब आपको सर्च किस वे में करना है कि आपको उसके आगे हिंदी और पीडीएफ वर्ड को ज़रूर इंक्लूड करना है। अब यार जब आप अपने कीवर्ड के आगे हिंदी और पीडीएफ को इंक्लूड कर दोगे ना, तो आपको किसी ना किसी वेबसाइट पर वो ज़रूर हिंदी में मिल जाएगी। और अगर मतलब आपको किसी भी एक बुक को डाउनलोड करने में ऐसी कोई परेशानी आई होगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां से भी मतलब आप उस बुक को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे रिच डैड पुअर डैड को डाउनलोड करके आपको बताता हूं, या ये यहां पे पहली लिंक दिख रही है ना, इस पर क्लिक कर लिया, फिर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहीं कहीं हो गया डाउनलोड लिंक। डाउनलोड करने के लिए यहां पे क्लिक करें, ऐड आ गई, इसको कैंसिल कर लिया, और ये अगला पेज, क्लिक हियर टू डाउनलोड, क्लिक हियर टू डाउनलोड। गूगल ड्राइव की लिंक है तो ड्राइव से ओपन करके देखते हैं। अब यहाँ पे मतलब अपने ईमेल एड्रेस से हम इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो रही है अभी, मतलब ये ओपन हो रही है अभी, ये डाउनलोड नहीं हुई है, ये बस अभी ऑनलाइन ओपन हो रही है। अगर हमें इसको डाउनलोड करना होगा ना, तो ये जो थ्री डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेक अवेलेबल ऑफलाइन, इस पर क्लिक करके, या फिर ये डाउनलोड लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करके डाउनलोड, वन आइटम विल बी डाउनलोडेड, डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई। अब यार आपको मैं पहले पूरी बुक डाउनलोड करके बताता हूँ, नहीं तो आप बाद में बोलोगे कि भाई मुझसे मतलब ये हो नहीं रहा है, फिर कुछ और हो रहा है। तो पहले आपको दिखाई देता हूँ, उसके बाद ही बात करते हैं। और ये कंप्लीट ओपन किया, रिस्टार्ट हुआ डैट, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। यार जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बुक हिंदी में डाउनलोड हो गई है, 225 पेजेस की पूरी बुक हिंदी में। अब यार ऐसे करके ना आप किसी भी बुक को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। आपको करना क्या है ना कि आपको जो भी बुक डाउनलोड करनी है उसका नाम आपको गूगल पे सर्च करना है, और उसके आगे आपको हिंदी और पीडीएफ वर्ड को ज़रूर इंक्लूड करना है। जब आप इन दोनों कीवर्ड्स को उसके आगे इंक्लूड करोगे ना, तो यार आपको चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको वो बुक कहीं ना कहीं किसी ना किसी साइट से मिल ही जाएगी। और अगर आपको मतलब किसी भी बुक को ढूंढने में कोई परेशानी होगी, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आप कैसे किसी भी एक बुक को हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।